भुजंगासन का आदर्श रूप, धीरे धीरे सांस भरते हुए 21 बार ऊपर की ओर जाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। आपको ध्यान रखना है कि एक ही योग क्लास में कई तरह के साधक रहते हैं, अलग अलग परेशानियां होती हैं। जिनको भी कमर में दर्द हो वो इस स्टेप को धीरे धीरे करेंगे, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो शरीर को सुंदर सुडौल और पेट को सपाट बनाना चाहते हैं तो वो फास्ट कर सकते हैं। एक बार फास्ट करके दिखाइए आलोक बाबू। ये है फास्ट नौजवानों वाला, लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो ऐसा नहीं करेंगे, ये उनके लिए है। बहुत सुंदर अभ्यास। भुजंगासन नाम से ही इतना ये प्यारा है। भुजंग कहते हैं सर्प को, कोबरा को। गर्दन को पीछे ले जाना है, कर्व करना है, आपको पीठ को पीछे की तरफ मुड़ना है। तो यहाँ पर नाभि जमीन में सटा रहता है, इसमें ध्यान रखिएगा। नाभि उठ जाएगा तो L1 से L5 पर आपका दबाव नहीं बनेगा, और जब दबाव नहीं बनेगा तो आपके कमर दर्द ठीक नहीं होंगे। एड़ी सटा लीजिए, एड़ी सटाई दोनों। हाँ देखिए शरीर का पोस्चर पीछे से कैसा रहता है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको इस प्रकार से। बहुत सुंदर। जब 21 बार हो जाए तो थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। दोनों हथेली को पीछे रख लीजिए कमर के पास, और थोड़ा सा आराम करके और इसके दूसरे स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। दोनों हथेलियों को सीने के बगल में लगाइए, साइड में। हाँ, और इसको भी 21 बार करिए। स्टार्ट करिए बहन जी, एक, फिर नीचे आ जाइए धीरे धीरे। हाँ, दो, तीन। सावधानी भी रखना है, जिनका उम्र 60+ है तो फास्ट नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। 21 बार करिए गिन करके। साइड में हाथ करिए, साइड में, स्टेप चेंज हो गया है। आँख खोलिए, हाँ स्टार्ट करिए। चलिए 21 बार गिनिए आराम आराम से, हथेली पर भार देते हुए। उतना हाथ नहीं उठाना है, उतना नहीं उठाना है, गलत प्रैक्टिस। देखिए सामने, देखिए यहाँ पर हो रहा है। एक बार फिर से करके दिखाइए। तो दोनों सटाइए हथेली, नीचे आ जाइए जमीन में, और हथेली को पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाइए। हाँ ये आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। दोनों केहूनी को और सटाइए पंजरी के पास। हाँ अभी जितना केहूनी उठा हुआ है, हम अभ्यास को पूर्ण करते समय भी ये केहूनी इतना ही उठा हुआ रहेगा। उठाइए तो, हाँ केहूनी नहीं उठाएंगे, पीठ को मरोड़ेंगे पीछे की तरफ, ये अभ्यास है। फिर नीचे धीरे धीरे आ जाइए, केहूनी में फिर बदल नहीं करना है। ये तरीका है, उठाइए और मरोड़िए। समझ में आ रहा है आप? हाँ इस अभ्यास को करिए कम से कम 10 बार तो कर लीजिए। नाभि जमीन में ही रहेगा, और केहूनी को बहुत नहीं उठाएंगे। केहूनी जो अभी जिस स्टेप में है उसी पोस्चर में रहेगा, और शरीर को ऊपर से उठा लेंगे। उतना नहीं उठाना है बहन जी केहूनी को। केहूनी अभी सटाइए, और पंजरी में साइड में सटाइए। अभी जितना उठा हुआ है ना केहूनी, केहूनी इतना ही उठा हुआ रहेगा। केवल आपको पीठ को पीछे ले जाना है, ले जाइए, सीधा नहीं करना है हाथ को। एक बार देखिए उनको, वहाँ पर देखिए, दिखा रहा हूँ, करके दिखाइए। आपको नाभि को नीचे ज़मीन में सटाना है, वहाँ भी दबाव बना के रखना है, और पीठ के ऊपरी हिस्से को पीछे ले जाना है। हाँ उठाइए, और भार पड़ेगा। ये शक्तिशाली अभ्यास है, महर्षि गैरण्य के संहिता में सबसे प्रबल अभ्यास है भुजंगासन। हाँ बहुत सुंदर अभ्यास। कमर के निचले हिस्से में दबाव बन रहा है ना,
हाँ, तो बस इसको अब रोक दीजिए, आराम करिए, हाथ को पीछे कर दीजिए कमर के पास। हाँ, थोड़ा सा गर्दन करके आराम कर लेते हैं, 5 से 7 सेकंड आराम कर लेंगे। तो आइए, अभी हमने कमर दर्द को किस प्रकार से आराम आराम से ठीक किया जा सकता है, मेरुदंड को कैसे लचीला बनाया जा सकता है, उसको मैंने आपको दिखाया है। धन्यवाद।